और अभी हूँ भाई मैं ग्वालियर भोपाल हाईवे पे। ये लोकेशन चेंज है, पहले हम लोग जाते थे इंदौर भोपाल हाईवे पे, बट ये लोकेशन अभी हमने चेंज करी है बिकॉज वहाँ ट्रैफिक होने लगा है और वहाँ जानवरों का भी डर रहता है। यहाँ आने का स्पेशल रीज़न ये है कि भाई बड़े दिनों से मैंने कोई रेस वीडियो नहीं डाली थी अपने चैनल पे, हमेशा से मतलब तब से ही रिव्यू वीडियो या एवरेज टेस्ट वगैरह प्रैंक वगैरह वीडियोस आपको देखने को मिल रही होंगी। बट बड़े दिनों बाद किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था मेरी वीडियो में नीचे कि भाई RC 125 और जो NS 160 है BS6 मॉडल उनकी रेस करके दिखाओ, उनको मतलब जानने का बहुत क्यूरियोसिटी थी कि उनको जानना था कि कौन सी बाइक किसको बीट कर जाती है। तो भाई आज मेरे साथ दोनों बाइक्स हैं, ये है अनुज मारन की बाइक और ये बाइक बिलोंग करती है RC 120 BS6 शानू भाई को जो सामने खड़े हुए हैं। दोनों ही भाई बाइक BS6 है और दोनों के जो सेगमेंट है दोनों का सेगमेंट ऑलमोस्ट डिफरेंट है। ये आपको प्रीमियम वाली स्पोर्ट बाइक देखने को मिलेगी आरसी और थोड़ी प्रीमियम कैटेगरी बाइक मिलेगी, और उसके बाद अगर आप बात करें NS 160 की तो इसमें आपको एकदम रॉ नेकेड लुक देखने को मिलता है। अब बात करें भाई पावर स्पेक्स की तो भाई इसमें आपको मिल जाती है 17.2 PSP पावर और इसमें आपको देखने को मिल जाती है 14.2 PSP पावर। भाई थोड़ी उठ रखा गया था, इसमें आपको देखने को मिलती है 14.2 PSP पावर। दोनों का जो भी डिफरेंस है दोनों में बहुत डिफरेंस है, ये नेकेड बाइक है और ये फेयरिंग वाली बाइक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप देख सकते हैं लुक में भी बहुत डिफरेंस है, डिजाइन में भी बहुत डिफरेंस है और भाई दोनों के जो प्राइस वो भी बहुत ऊपर नीचे है। NS 160 आपको मिल जाती है 1.5 लाख के नीचे के आसपास और ये आपको मिल जाती है 2 लाख के करीब, है ना भाई, 2 लाख के आसपास है ना ये, मतलब ऑन रोड या कैश में ना 180 की मिल जाती है। और भाई मैंने बाइक चला के देखी 125 CC, मतलब इसमें बहुत पावर है। अगर हम कंपेयर करें शाइन से सीबी शाइन से तो उसमें बिल्कुल पावर फील नहीं होती है, बट ये KTM की बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक है, तो इसमें 125 CC के हिसाब से बहुत पावर है। तो भाई चलो अब रेस शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए और भाई रेस करेंगे। पहले मैं चलाऊंगा RC 125 और जो NS 160 उसको चलाएगा तुषार। हम लोग बिल्कुल गियर्स पहन के एकदम कंप्लीट होकर गाड़ी चलाएंगे और भाई रोड एकदम खाली है, आप देख सकते हैं आगे तक रोड खाली है, थोड़ी बहुत गाड़ी आ रही है बट रोड एकदम चौड़ा, दिक्कत होने वाली नहीं है। तो भाई आप सीधा मिलते हैं अपन बाइक पे, चलिए शुरू करते हैं। गो और भाई अगर थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम आए, विंडोज है तो प्लीज इसको भाई एडजस्ट कर लेना क्योंकि आपको पता है मेरे SDK में थोड़ी प्रॉब्लम है, सारे SDK में प्रॉब्लम है और जल्दी GoPro भी लेने वाला हूँ मैं बहुत जल्द, वेरी सून सब लोग भी आने वाला है। और भाई पता है आपको रूल्स पता है ना, हेलमेट आपने पहन लिया, ग्लव्स आपका सही नहीं आप भूल गए हो, नेक्स्ट टाइम ग्लव्स लेके आना भाई। मैंने ग्लव्स पहन लिए, हेलमेट पहन लिया है, जैकेट है मेरे पास। और शानू भाई सेंटर में आ जाओ, सेंटर में
दूंगा। तो अगेन गाइस, आप लोगों ने देखा कि इनिशियल और जो इनिशियल रिस्पांस होता है और जो इनिशियल पिकअप होता है उसमें एनएस ने आरती को बीट किया है बिकॉज ऑफ इट्स टॉर्क एंड डीएस पीएस पावर। बट अगर हम बात करें टॉप एंड की तो अगेन आरती ने इसको बीट कर दिया है। और भाई मेरे को लगता है कि ये रिजल्ट एकदम परफेक्ट निकल गया है, मतलब आरसी टॉप एंड में बीट कर देती है NS160 को या अपाचे को भी। तो आई हैव गाइस, आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, रेस पसंद आई हो, एकदम जेन्युइन रिजल्ट था। हम लोग ने कोई चीटिंग नहीं करी है भाई, हम लोग ने पूरी मेहनत से जितनी हमने दम थी पूरी गाड़ी वैसे भगाई है। और भाई बहुत मुश्किल से वीडियोस बनती है यार, अभी भी हम धूप में खड़े हुए हैं, बहुत धूप हो गई है। और भाई वीडियो बनाने में मेरे अकेले का नहीं, मेरे साथ सारे भाई लोग का सपोर्ट रहता है। ये भाई लोग यहाँ खड़े हुए थे, वीडियोस बना रहे थे हर बार की तरह, भाई आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। ये भाई लोग ऐसे है ना, मतलब इनको बोलने की देरी होती है, रात को बोलता हूँ भाई सुबह चल रहा है, भाई हम रेडी हैं, आप तो फोन लगा देना। सारे भाई मेरे ऐसे हैं भाई, सपोर्ट करते रहना मुझे आगे भी। ये भाई आप इधर आ गए हो, ये भाई जो आरसी बनोटे इनको बिलोंग करती है, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, मुझे मतलब घूमते फिरते अपने टकरा गए थे ना कहीं, तो ये भाई के पास आरसी मिला, भाई मैं ये काम करता हूँ मुझे आरसी मिलेगी आपकी, बोला भाई तुम्हारी आरसी ले जाना। तो भाई तो हमेशा साथ में रहते ही हैं। और ये भाई भी थोड़ा इस बार नया आया, ऋतिक भाई तुम पहली बार आ रहे हो भाई, भाई मज़ा आया, आया मज़ा देखा भाई चल रहे। तो ठीक है गाइस, मिलेंगे आपसे फिर किसी ऐसी वीडियो में, टिल देन साइनिंग ऑफ सुमित, जय हिंद जय भारत, बाय बाय। We'll be right back.